एक अहम काम आपने ये भी करना है कि भाई कुर्बानी के वक्त ना जिक्र अस्कार का होना चाहिए, शोर शराबे का नहीं होना चाहिए। ये इबादत है, अल्लाह के हुक्म पे आप अल्लाह के मुसख्खर करदा जानवर को काट रहे हो, अल्लाह के दरबार में पेश कर रहे हो, तो ये इबादत का वक्त है। इसमें जिस किस्म का हल्ला गुल्ला हो रहा होता है ये इस मौके पे बिल्कुल सूट नहीं करता। गोश्त खाते हुए आप हल्ला गुल्ला कर लें, शाम को तिक्के बन रहे हैं, थोड़ा सी मजाक कर लें, लेकिन जब जानवर ज़बह हो रहा है ना, तो उस वक्त ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है। उस वक्त किस चीज का टाइम है? अल्लाह के जिक्र का। दुआ पढ़े, इन्नी वज्जहतु वज्ही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ं वमा अना मिनल मुश्रिकीन। ए अल्लाह, मैंने अपने रुख को उस ज़ात की तरफ फेर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ, सिर्फ तेरे नाम पे जानवर काटूंगा, किसी और के नाम पे नहीं काटूंगा। इन्ना सलाती वनुसुकी वमहयाया वममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज मेरी कुर्बानी सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो इस तरह के अल्फाज जबान से अरबी में या उर्दू में दोहराएं, ऐ अल्लाह ये हमारी तरफ से है, इसको तू अपने दरबार में कबूल कर ले। उस वक्त जो हल्ला गुल्ला बाजे पौ पौ उछल कूद, ये बहुत गलत हरकत है, समझ रहे हो? नहीं, बिल्कुल ऐसे मौके पे मुसलमान पे ये चीजें सूट नहीं करती। जो इबादत का मौके है उसमें आप इस तरह की इंटरटेनमेंट कर रहे हो कि पता ही नहीं चल रहा है कि कोई शादी हो रही है या इबादत हो रही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?